अगली खबर का रुख करते हैं। रेलवे की पटरियों पर हिंदुस्तान ने नया कीर्तिमान रच दिया है। हम बता रहे हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मिशन वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। वंदे भारत एक्सप्रेस ने पटरियों पर ऐसा फर्राटा भरा कि ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। आखिर कैसे हुआ ये कमाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। वंदे भारत से रिपोर्ट, ट्रेन ने बनाया नया रिकॉर्ड। वंदे भारत का कमाल, 180 की रफ्तार। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिसकी तेजी है बुलेट जैसी, जिसकी शान है आलीशान, वो जब पटरियों पर चलती है तो लोग देखते रह जाते हैं। रेल की पटरी पर ये रफ्तार आत्मनिर्भर भारत की है। ये स्पीड हिंदुस्तान के नए सपनों की है। रेलवे के इतिहास में नई कामयाबी दर्ज करवाने वाली ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन ने जब पटरियों पर फर्राटा भरा तो देश का गौरव बुलंदियों को छूने लगा। मौका था ट्रेन की स्पीड ट्रायल का। जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस ने पटरियों पर दौड़ना शुरू किया तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भरते हुए सारे मुकाम हासिल करने लगे। जैसे ही स्पीडोमीटर की सुई ने 180 के आंकड़े को पार किया, नया कीर्तिमान बन गया। जिस वक्त ये ट्रेन 180 की स्पीड से चल रही थी, उस वक्त ट्रेन के अंदर क्या महसूस हो रहा था, यह समझने के लिए पानी के इस गिलास को देखिए। ट्रेन बुलेट की रफ्तार से चल रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर रखा पानी का गिलास बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। यानी ट्रेन में सफर कर रहे मुसाफिरों को जरा भी झटका महसूस नहीं हो। आत्मनिर्भर भारत की यह तकनीक हैरान करने वाली। नया रिकॉर्ड बनते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार वंदे भारत 2 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ते हुए। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस 2 का स्पीड ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन के बीच हुआ। शुरुआती स्पीड 120, उसके बाद 130, फिर 150 और आखिर में 180 किलोमीटर की रफ्तार। अभी तो ये शुरुआत है, आगे रेलवे की कोशिश इस ट्रेन के जरिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करना है। रेलवे के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन के दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल पूरा होने के बाद रिपोर्ट रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को जाएगी। हरी झंडी मिलने के बाद नई वंदे भारत दूसरे रूट पर चलने लगेगी। नई ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाई जा सकती है। वंदे भारत की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। सितंबर के महीने से चेन्नई से फैक्ट्री से हर महीने 4-4, 5-5 ट्रेन निकलने लगेंगी। साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब करीब 48-50 किलोमीटर के आसपास पिलर्स कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरह से हर फील्ड में, चाहे कवच हो, चाहे ट्रैक्स को मेंटेन करने की बेटर टेक्नोलॉजीज़ हो, स्टेशन नए बनाने हो, हर तरीके से रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयास है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए नई ट्रेन में कवच तकनीक लगाई जा रही थी, ताकि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगाई जा सके। ये बताना जरूरी है कि अभी 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही, पहली नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। वंदे भारत 2 को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए ऑटोमेटिक फायर सेंसर, सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगे होंगे। कहा जा रहा है कि अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टारगेट रखा गया है। साफ है, नए युग का आत्मनिर्भर भारत है जो हर क्षेत्र में दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर मुल्कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।